हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवा टेक्निकल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने फ़ोन में कंप्यूटर या लैपटॉप कैसे ओपन करें। तो चलिए गाइज, बिना टाइम खराब किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ सर्च करना है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस सर्च करने के बाद यहाँ ऑक्टोपस पर क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है। गाइज, मेरा पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो ओपन दिखा रहा है। इसको ओपन करने के बाद गाइज, यहाँ ओपन पर क्लिक नहीं करना है, एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वो विन 7 IME। तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए गाइज, इस पर मेरी डाउनलोड की हुई है, तो इसलिए प्ले का ऑप्शन आ रहा है। इस पर ओपन का ऑप्शन नहीं आएगा, प्ले का ऑप्शन आएगा। तो गाइज, मेरी डाउनलोड की हुई है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं बैग ले लेता हूँ। बैग लेने के बाद यहाँ ऑक्टोपस पर क्लिक करूँगा। ऑक्टोपस पर क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ अलाउ पर क्लिक करना है। अलाउ पर फिर से अलाउ पर क्लिक करना है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ लिखा हुआ माई गेम्स, माई गेम्स के नीचे प्लस का ऑप्शन दिया हुआ, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज, मेरा लोडिंग दिखा रहा है। लोडिंग करने के बाद गाइज, आपने एक एप्लीकेशन ओपन की थी विन 7, तो उस पर क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, विन 7 को ऐड करना है। तो इस पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद गाइज, फिर से विन 7 सिमो पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज, स्किप का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको स्किप कर देना। स्किप करने के बाद गाइज, यहाँ अलाउ का ऑप्शन है, अलाउ पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज, आपको एक फ़ोल्डर चूज़ करना है, तो आप कोई सा भी एक फ़ोल्डर चूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन से। तो मैं ये फ़ोल्डर चूज़ कर लेता हूँ। फिर अलाउ पर क्लिक करते हैं। अलाउ पर क्लिक करने के बाद गाइज, फिर से विन 7 सिमो पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ स्किप का ऑप्शन आ रहा है, तो स्किप पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज, फिर से स्किप पर क्लिक करना। स्किप पर क्लिक करने के बाद गाइज, फिर से विन 7 मेरा कंप्यूटर ओपन हो चुका है। यहाँ आपको विंडो 7 मिलेगा अपने मोबाइल में। ये देखिए गाइज, मेरा स्टार्टिंग विंडो आ रहा है। देखिए गाइज, अब तो फ़ोन में भी आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, मेरा प्रोसेस हो रहा है विंडो 7। तो गाइज, यहाँ देखिए मेरा कंप्यूटर ओपन हो चुका है। यहाँ पे ओपन सिंपली गेस्ट पर क्लिक करते हैं। मैं गेस्ट पर क्लिक करूँगा। गेस्ट पर ओपन होता है, वैसा साउंड आ रहा है। यहाँ देखिए गाइज, जैसे भी कंप्यूटर में टाइम दिखाता है साइड में, ये अपनी बैटरी है, नेटवर्क है, ये दिखा रहा है। और यहाँ पे ये कंप्यूटर रिसाइकिल बिन दिखा रहा है, और वैसा ही वॉलपेपर आ रहा है जैसा कंप्यूटर पर आता है। ये देखिए गाइज, अब आपके भी मोबाइल में कंप्यूटर ऑन हो चुका है। तो गाइज, मैं आपको थोड़ी सी यहीं की सेटिंगें दिखाता हूँ। तो गाइज, जैसे कंप्यूटर को आप रिफ्रेश करते हैं, तो आप मोबाइल में कंप्यूटर को कैसे रिफ्रेश करेंगे? तो गाइज, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली स्क्रीन पर होल्ड करके रखना। होल्ड करने के बाद गाइज, यहाँ देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ से रिफ्रेश कर देना है। यहाँ देखिए गाइज, साइड में विंडो का ऑप्शन दिया हुआ, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ देखिए यहाँ कंप्यूटर वगैरह बहुत सारे ऑप्शन, तो आप कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे। कंप्यूटर पर क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ देखिए मेरा प्रोसेस दिखा रहा है, हार्ड डिस्क है, सिस्टम है, सी डिवाइस विथ रिमूवेबल वगैरह है। तो गाइज, इसको मैं बैक ले लेता हूँ। बैक लेने के बाद गाइज, अब आप इसको बंद कैसे करेंगे, जैसे कंप्यूटर को बंद करते हैं? तो गाइज, यहाँ वापस फिर से क्लिक करना है। फिर से क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ देखिए शट डाउन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप शट डाउन पर क्लिक कर देते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। तो गाइज, मैं ऑफ नहीं करूँगा, सिंपली फिर से बैक लेता हूँ। बैक लेने के बाद गाइज, अब आप यहाँ न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करोगे? तो न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए गाइज, यहाँ आपको फिर वैसे ही सिंपली स्क्रीन पर होल्ड करके रखना। होल्ड करने के बाद गाइज, यहाँ देखिए न्यू लिखा हुआ है। न्यू पर क्लिक करने के बाद इधर आ रहा फोल्डर शॉर्टकट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो आप फोल्डर पर क्लिक करेंगे। ये देखिए गाइज, मेरा एक फोल्डर बन चुका है। और भी बहुत सारे फंक्शन आप गाइज यहाँ जो कंप्यूटर में होते हैं वो यूज कर सकते हैं। तो गाइज, मैं पेंट का दिखाऊंगा आपको। तो आप सिंपली फिर से विंडो पर क्लिक करेंगे। विंडो पर क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ ऑल प्रोग्राम्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ देखिए स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है पेंट का, तो आप सिंपली पेंट पर क्लिक करना। पेंट पर क्लिक करने के बाद गाइज, एक बार स्क्रीन को फुल कर लेते हैं। फुल करने के बाद गाइज, ये देखिए मेरा पेंट आ चुका है। अब इसको मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। ये देखिए गाइज, मैंने इसकी साइज़ बड़ी कर दी। अब गाइज, इस पर मैं कोई सा भी पेंट कर सकता हूँ, आप जो भी इच्छा करें, जैसे कंप्यूटर जैसे मैं कंप्यूटर पर करता हूँ।
ये देखिए गाइज मेरा कलर भी हो रहा है। तो गाइज फिर से मैं बैक ले लेता हूँ। ये देखिए गाइज अब आपके भी मोबाइल में कंप्यूटर ओपन हो चुका है। थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।